मुहर्रम त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एनएक्सी सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों, पीस कमेटी सदस्य व मुतवल्ली के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जिससे मुहर्रम, रक्षाबंधन, शिवरात्रि का त्योहार सकुशल संपन्न कराया जा सके। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने ताजियदारों से आह्वान किया कि वे नई परंपरा कायम नहीं करें और परंपरागत तौर तरीके ही अपनाएं। प्रशासन और ताजियदार के मुखिया आपसी सामंजस्य कायम रखते हुए पुरानी परंपराओं के अनुसार जिन रूटों से ताजिया का जुलूस निकलता था, उसी रूट से अपनी अपनी ताजिया का जुलूस निकालें। यह सभी कार्य मुहर्रम प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित कर लें। प्रशासन व ताजिया रखने वाले ताजियदार के मुखिया SSP ने एडिशनल SP व सर्किल अफसर को निर्देशित किया कि कहीं से किसी तरह की चूक ना होने पाए। कहा कि कानून व्यवस्था में खलल डालने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर है। इतना ही नहीं, मुहर्रम के दिन किसी भी प्रकार की लाठी, डंडा, भाला लेकर नहीं जाएंगे। किसी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करते कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर दूसरे जगह होने वाले विवाद को लेकर स्थानीय स्तर पर बिना जाने कोई भी शेयर और पोस्ट किया, उसके बाद अगर विवाद उत्पन्न हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खास तौर पर मोबाइल का यूज करने वाले युवाओं को व्हाट्सएप, फेसबुक पर अफवाह से बचने और इस तरह का विवाद वाले फोटो, वीडियो, पोस्ट और शेयर के अलावा कमेंट करने से बचने की सलाह दी। इसके बाद मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए संवेदनशील जगहों पर पुलिस, PSC, महिला पुलिस, यातायात व अग्निशमन दल विशेष सतर्कता बरतने के लिए लगाए जाएंगे। कहा कि सावन माह रक्षाबंधन का त्योहार भी सामने है, इसमें आपस में भाईचारा बनाकर त्योहार मनाया जाए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, ADM City विनीत कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक डॉक्टर इंद्रपाल सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश कुमार मिश्रा, समस्त उप जिलाधिकारी व समस्त क्षेत्राधिकारी तथा गोरखपुर जनपद के पीस कमेटी सदस्य मुतवल्ली तथा थाना अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, और तकरीबन 25 अधिकारी हैं, सभी लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी सेवा करते हैं और फिर जाते हैं। ये पूरा शहर ये हम लोगों का है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई भी इस तरह की घटना दुर्घटना ना हो, और कहीं भी अगर कोई भी चीज़ अगर दिखाई दे रही है तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें। वहाँ पे बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तार अभी भी बिजली के नीचे हैं, तो उसको एक बार चेक करवा लिया जाए। जिस रास्ते से जुलूस गुजरने हैं, जनरल डिकार मियां साहब का जो रास्ता था वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो काम पूरे तौर पर चल रहा है और हम सब लोग आपके साथ में हैं। तो कराएंगे जो भी बात उनकी है या उनको जो भी प्रॉब्लम है, बस मेरी एक बात कहनी है कि यहाँ पर हम लोग हमेशा से गोरखपुर एक मिसाल है और हमारे माननीय योगी जी का ये शहर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप छोटी सी भी एक्टिविटीज होती है वो बड़े बहुत बड़े रूप में आगे जाती है कि ये माननीय हमारे योगी जी का शहर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं होने देने की पूरा वो करेंगे, कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। प्रशासन से भी कहेंगे हम लोग कि अगर आपको कोई फोन कर रहा है या कोई बात है तो अगर आप कहीं बिजी हैं या कोई बात है तो नेक्स्ट उसको भी आप कॉल बैक उससे कर करके उससे जरूर उससे बात पूछ लीजिए कि भाई आपके बात क्या है। बात और सब अच्छे से सारे त्यौहार को निकलवाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद जी। एक ये अच्छी बात है, आपकी सही बात है, और इसमें एक अनुरोध है, सभी मार्गों का भ्रमण कर लीजिए, स्वयं अपने हल्का इंचार्ज या चौकी इंचार्ज के भरोसे न छोड़िए, खुद एक बार सभी आयोजकों को जो आपके यहाँ ताजीदार है, जो जुलूस के आयोजन है, खाली गंदी है, साफ सफाई की व्यवस्था होती है, ये सारी चीज़ें नोट करके आप स्वयं से हमें या SSP साहब को बताइए, उसको आप नगर निगम से होना है, नगर पालिका से होना है, तहसील से होना है, नगर निगम है या नगर निकाय है यहाँ पर, या बाकी PWD है या जो रोड बनाते हैं, ये सभी एक जॉइंट टीम बना करके उस रूट का निरीक्षण करें और वहीं पर आइडेंटिफाई कर लें कि उनके बाकी क्या समस्या है, क्योंकि बताने में कई बार ये होता है कि उनके यहाँ से हो सकती है, नहीं हो सकती है या कैसे या कब होगी, तो ये जॉइंट टीम के माध्यम से ही ये विजिट हो और आई थिंक CEO और SDM जो है वहाँ पे वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, टाइम तय कर लें, बाकी टीम के मेम्बर्स को समय दे दें
आयोजक हैं जिनका जुलूस पूरे रूट पर निकलना है उनको साथ लेकर के ये करें। अब जब संबंधित सीईओ और एसडीएम साहब इसको कंफर्म कर देंगे कि अब रूट क्लियर है, उसके बाद ही हम इस चीज़ को मानेंगे कि सारे काम जो होने थे बाकी विभागों के वो भी हो गए हैं। कल का दिन सीडीएम साहब कह रहे हैं, कल का दिन भी इसके लिए तय किया जा सकता है, बट ये सीईओ और एसडीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाले जो भी थाने हैं, उन क्षेत्र में होने वाले जो भी जुलूस हैं, उन संबंध में बाकी विभागों को लेकर ही रूट का भ्रमण करें। वो अपना किला मामी हमारे लिए ना रहे उसी जी अलीगढ़ में पगड़ी करते सब बीच में रास्ते बीच में पगड़ी करते थे, इसकी सोच जो बिल्कुल नीचे रह गई है। जुलूस है इसमें पूरी जुलूस से जो सिलसिला शुरू होता है वो चार मुहर्रम की चाहता है, मतलब छः रेगुलर चलता है जुलूस, मुहर्रम की चाहता है जो शुरू हो जाएगा तीन दिन को घर बना जरूर से निकलते हैं बख्शीपुर नसाज बेनीगंज जाफरा या गसी बेरा होते हुए मिर्जा से निकल जाते सर ये हमने हमारे लिए बाकी के पीछे छे उसका भी बात है। तीसरी चीज सर जो सड़क निर्माण और मकान बन रहा है उनको इलाज है कि सड़क जो इनका आगे है उनका ध्यान रखें, ये जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्रियों की बात है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे क्षेत्र में गए तो जो उसको अपने कार्य घुमा जो तरीका सिस्टम था उससे सिस्टम से लें ना कोई विवाद है सर अपनी बात नहीं उसका आयोजक होगा उसका माना जाएगा। आप से आप ये नहीं कह सकते वो बात आपकी बात क्या है उन्हें गलती है ऊपर भी क्या उनको हम जानते थे ये सब नहीं पता है, इसके लिए स्पष्ट मैसेज कि ताजिए का हाइट बढ़ाना नहीं है और कोशिश करिए कि ताजिए की हाइट कम ही रहे ताकि कहीं पे बिजली के तार में फंस के कोई दुर्घटना ना हो, कहीं तार में जो आपके ताजिए होंगे उनकी हाइट आप प्रॉपर जो पहले से रहता है उससे बढ़ाना नहीं है, बल्कि अगर कम ही रखिए जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखिए वो बेहतर रहेगा ताकि आराम से हर जगह से उसको निकाल नहीं कर रहे ठेकेदार बात नहीं कर रहे हैं। तीन ताजिया के जो ताजियादार हैं गली के वो परेशान है कि जब पानी बरसेगा कीचड़ लगेगा तो हम ताजिया कैसे रखेंगे, ये साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। आपको शुक्रिया इस बात का कि आपने इतना बड़ा काम हमारे मोहल्ले में करा दिया, अहमद नगर में एक काम रह गया तीन ताजिया वाली गली में इसको भी लगवा दें। जय मजिस्ट्रेट साहब को उपलब्ध करा दिया गया, जो जितनी समस्याएं शहर की आई थी छोटी और बड़ी सारी समस्याएं उपलब्ध करा दिया गया है। एक समस्या सर अभी आई है हरिशंकर तिवारी जी के हाथे के बगल में जो बड़ा करबला है, लायन की ताजिया उस करबले में दफन होती है, हर साल नगर निगम से वहां सफाई और खुदाई का काम होता है तो समय कहते हुए वहां खुदाई और सफाई का काम करा दिया जाए ताकि लाइन अखाड़े के जो ताजिया है काफी मात्रा में वहाँ ताजिया दफन होती है सर। सब लोग मौजूद रहेंगे अगर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हुकाम जो है उसको फॉरवर्ड तय न करे। शुक्रिया बहुत बहुत और पिछले साल भी और इस साल भी मैं पूरी प्रशंसा करना चाहूंगी। अभी सबसे बड़ी बात होती है किसी भी मार्ग पे चाहे वो चौराहा हो या कोई भी क्षेत्र हो जाम की समस्या से जो निजात मिली है उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित यातायात अधीक्षक की बहुत बहुत प्रशंसा करूंगी कि शहर में होने वाले जाम से उन्होंने निजात दिलाया और लगे हुए हैं। और कोई भी त्योहार तभी अच्छे से मन सकता है जब जाम ना हो, लोग उस क्षेत्र के आसानी से जा सके और सड़कों की भी व्यवस्था काफी अच्छी है क्योंकि कांवरिया अपनी कांवरियों द्वारा जा रहे हैं जल भर के और मार्ग में फूल बरसाए जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा हर क्षेत्र में जगह जगह चौकसी बरती जा रही है जिससे कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य अराजक तत्व उत्पन्न न कर पाए क्योंकि अपराध जो है अपराधिक छवि के लोग हर जगह मौजूद होते हैं। देखिए आने वाले दिनों में जो त्यौहार आयोजन होने हैं उस संबंध में 21 कमेटी की मीटिंग यहाँ पर की गई है और विशेष रूप से जो मुहर्रम के जुलूस हैं उससे संबंधित जो मुतबल्ली हैं और जो आयोजन कमेटियाँ हैं उनके लोग आज यहाँ पर आए थे, प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारी मौजूद थे। एक अच्छे माहौल में परंपरागत रूप से ये सभी आयोजन एक सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न हों इसके लिए सभी के सुझाव भी लिए गए हैं और कैसे शांति के एक माहौल में इनको संपन्न कराया जाए उसके लिए सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि जैसे पूर्व में जनपद गोरखपुर ने शांति और सद्भाव का एक अच्छा मैसेज हमेशा से यहां से दिया है, आने वाले दिनों में आयोजन होंगे शांतिप्रिय ढंग से संपन्न होंगे और एक अच्छा मैसेज यहाँ से मिलेगा।